सत श्री अकाल। देश दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीता लाके हाजिर हाँ। देश विदेश की अहम सरगर्मियां शुरुआत करते हैं पहली खबर के नाल। दुनिया के कई देशों के कोरोना के मामले तेजी के नाल वध रहे ने। चीन के अलावा भारत, जापान, ब्रिटेन ते अमरीका वर्गे देशों में संक्रमण का खतरा वाधा जा रहा है। इस विचाले विश्व सेहत संगठन ने लंबी यात्रा करने वालों मास्क पहनने की अपील की है। WHO के एमरजेंसी अधिकारी ने कहा है कि चीन तो बाद हुण पूरी दुनिया से कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। अमरीका भी ओमिक्रोन के नवे वेरियंट XBB.1.5 के मामले वधन लगे हैं। अजिहे लोग जो लंबी यात्रा कर रहे हैं उन्होंने बिना लापरवाही वरते मास्क पहनना लाजमी है। हर देश नूं लंबी यात्रा करन वाले यात्रियों नूं मास्क पहनन वाली सलाह का पालन करना चाहिए है। जेकर इत्थे भारत की गल की जाए तो भारत में एक दिन दे विच COVID-19 के मामलों की गिनती दे विच 174 का वाधा होया है। सरगर्म मामलों की गिनती घट के 2,257 रह गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। भारत दे विच रोजाना सकारात्मकता दर 0.10% सी। भारत के सरगम केस एक दिन 52 की गिरावट आई तो हूँ यह कुल संक्रमण का 0.01% है। अमरीका में 3 दिन की हड़ताल तो बाद न्यूयॉर्क के 2 सब तो वड्डे हस्पतालों के 7,000 नर्सां काम से वापस आ गई हैं। हालांकि देश भर के होर मैडिकल सहयोगियों का कहना है कि अगे होर हड़ताल हो सकतियां ने। देश भर के हस्पतालों के समस्यावां वध रही हैं क्योंकि उन्होंने काम करने वाली नर्सा तो महामारी दौरान स्टाफ की घाट कारण वधे हुए काम का बोझ हावी है। लोयोला यूनिवर्सिटी न्यू ओरलीन्स दे कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ दे डीन मिशेल कॉलिनंस ने कहा है कि स्टाफ की घाट कारण नर्सा चिंताजनक तौर पर उच्च पदरी मरीजों के नाल जूझना पै रहा है। कॉलिनंस ने कहा है कि कोई भी थान अजिही नहीं जिथे नर्सा की कमी नहीं है। उन्होंने गैरहाजिरी हर पासे है। यूनियन के नेतावान का कहना है कि हड़ताल खत्म करने के लिए इन्हों नर्सा माउंट सिनाई हस्पताल मोंटेफ्योर मैडिकल सेंटर 3 साल के नवे इकरारनामे के तहत 19% तनखाह वाधा मिलेगा। क्यूबेक वीरवार को एक प्रोपेन यूनिट के धमाका होने तो बाद एक कर्मचारी के लापता होने की जानकारी मिली है। इसकी सूचना नगर निगम अधिकारी वालों दी गई है। दस दिए कि यह धमाका एक मशहूर कंपनी प्रोपेन लाफोरच्यून की एक यूनिट के होया। प्रोपेन एक हाइड्रोकार्बन है। इस बारे गल करदिया क्यूबेक प्रोविंशियल पुलिस ने कहा है कि मॉन्ट्रियल तो लगभग 50 किलोमीटर उत्तर सेंट रोच डे लाचिगन शहर तो लोगों कढ़न का काम जारी है। नगर निगम अधिकारियों ने पहला दस्या सी कि 3 या 4 कर्मचारियों का हुण तक कोई पता नहीं लगा। हालांकि प्रोविंशियल पुलिस सार्जेंट एलोइस कोसेट ने बाद विच एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दस्या कि घट्टो घट एक व्यक्ति लापता है ते यह गिनती वध भी हो सकती है। अग बुझाओ विभाग के मुखी फ्रेंकोइस थीवी अर्ज ने कहा है कि अधिकारियों नूं सवेरे करीब 11:15 ते अग लगन की सूचना मिली ते घटना वाली थां ते पहुंचियां पहलियां टीमां ने स्थिति ते काबू पाउण की कोशिश की पर धमाके के खतरे कारण पिछे हटना पिया। थवीरगे ने कहा है कि अग अजे काबू दे विच नहीं है ते अधिकारी सुरक्षा खतरियां नूं ध्यान दे विच रखते हुए सावधानी दे नाल काम कर रहे ने। कोरोना वायरस महामारी के नाल जूझ रहे लोगों के लिए एक चंगी खबर है। खोजियों ने नवे अणु विकसित किए हैं जिन्होंने SARS-CoV-2 वायरस को फेफड़ियों के दाखिल होने और इनफेक्शन पैदा करने से रोकने के लिए नक के स्प्रे किया जा सकता है। जब लोग साह लेते हैं तो COVID-19 का वायरस साह की नाली राही फेफड़िया राही शरीर के दाखिल होता है। नतीजे वजो बीमारी हो जाती है। अमरीका की जॉनस हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इंजीनियर ने हुण सुपर मोलोक्यूलर फिलामेंट्स नाँ के अणुआ के पतले धागे वर्गिया किस्म बनाई हैं जो वायरस को इसके राह रोकने योग हैं।
जॉन्स हॉपकिंस वाइनिंग स्कूल दे एक एसोसिएट प्रोफेसर होंग गैंग कोई ने कहा है कि मकसद यह है कि फिलामेंट्स साढ़े साह की नाली दे विच कोविड 19 वायरस और होर वायरसा नूं सैलां दे विच तब्दील होण दा मौका देण तों पहलां उन्हां नूं जज़ब करन दे लई एक स्पंज वांग काम करदे ने। मैटर जनरल दे विच प्रकाशित खोज की अगवाई करने वाले कोई ने कहा है कि उपचारक उपा वायरस नूं एक जां दो घंटे लई रोक सकता है पर यह उन्हां स्थानां दे विच वरत्या जाण ते वधेरे प्रभावी हो सकता है जिथे लोग वड्डी गिणती दे विच मौजूद हन। रूस ने यूक्रेन खिलाफ जंग का विरोध करने वाले रूसी नागरिकों खिलाफ सख्त कदम चुकन का ऐलान किया है। रूसी सरकार अजिहे लोगों की जायदाद जब्त करेगी। वलादिमीर पुतिन की आलोचना करने वाले के नाल भी अजिहा ही किया जाएगा। वलादिमीर पुतिन के एक करीबी दोस्त ने इस दी जानकारी दी। इना ही नहीं इस जंग दौरान देश छड़ के भजन वाले के नाल भी अजिहा ही किया जाएगा। रूसी सरकार का मानना है कि अजिहा करके इन्हों लोगों ने देश का अपमान किया है। यह मता रूस के हेठले सदन के स्पीकर द्वारा पास किया गया है। मनिया जा रहा है कि यह कदम उन्हां विरोधियों के खिलाफ चुकिया जा रहा है जिन्होंने रूसी सरकार विदेशी एजेंट दसती है। इन्हां लोगों नूं यूक्रेन दे नाल जंग का विरोध किया सी ते फिर गिरफ्तारी तो बचण दे लई दूजे देशों नूं भज गए सन। रूस के हेठले सदन के चेयरमैन व्याचेस्लाव वोलोडिन ने कहा है कि साडे कुछ नागरिकों नूं रूस इस दे सैनिकां अफसरां दा अपमान करना ते दुश्मना नाजियां ते कातलां दा खुलेआम समर्थन करना आसान लगता है। उन्हां कहा कि अजिहे लोकां दी मंशा साफ है। इन्हां लोकां ने विदेशां दे विच अपने हित तय कीते हन। दुबई विखे स्थित गुरु नानक दरबार गुरद्वारा साहिब दा 11वां स्थापना दिवस 15 जनवरी नूं मनाया जा रहा है। इस दौरान जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह प्रोफेसर हरी सिंह प्रधान सिख फोर्स गंगा सागर की देख रेख करने वाले राय अजीजुल्ला खान शिरकत करेंगे। इसे दिन संगतां गुरद्वारा साहिब दुबई विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पवित्र बख्शीश गंगा सागर के दर्शन करनगियां। गुरद्वारा साहिब के स्थापना दिवस मौके बच्चियां वल्लों कीर्तन किया जाएगा। इस मगरों गुरु नानक दरबार गुरद्वारा साहिब दुबई के चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र सिंह कंधारी स्वागती भाषण देंगे। इस मौके भाई यादविंदर सिंह ते बीबी अमृता कौर कीर्तन राही संगतां नूं निहाल करनगे। आर्थिक तंगी दे नाल जूझ रहे श्रीलंका ने शुक्रवार नूं तकनीकी अते रणनीतिक तौर ते मजबूत अते संतुलित रख्या बल बनाउण दे लई 2030 तक अपनी मौजूदा फौज की गिनती अद्धी करन दी योजना दा ऐलान कीता है। श्रीलंका सरकार ने यह कदम 2023 दे बजट दे विच सेहत देखभाल अते सिक्ख्या लई अलॉट कीती रकम दे मुकाबले फौजी खर्चियां दे लई अलॉटमेंट नूं लै के आलोचना दे विचकार चुक्या है। रक्षा मंत्रालय वालों जारी बयान दे विच कहा गया है कि साल 2030 तक फौज की 2,783 की मौजूदा गिनती नूं घटा के 1,00,000 कर दिता जाएगा। दक्षिणी सूडान दे विच संयुक्त राष्ट्र मिशन विच तैनात 1,000 तो वध भारती शांति रक्षकों नूं एक पुरस्कार समारोह दे विच संयुक्त राष्ट्र दे वकारी मैडल दे नाल सन्मानित किया गया। इस समारोह दे विच पहली बार भारतीय फौज की एक महिला अधिकारी ने परेड की अगवाई की। अपर नील विच एक विशेष पुरस्कार समारोह दे विच दक्षणी सूडान विच संयुक्त राष्ट्र मिशन विच तैनात भारत के 1,171 शांति रक्षकों नूं उन्हां दी मिसाली सेवा दे लई संयुक्त राष्ट्र मैडल दे नाल सन्मानित किया गया। मिशन ने वीरवार नूं ट्वीट किया कि भारत नूं सलाम, तुहाडे बेमिसाल पुत्रां ते धीआं विचों 1,171 ने दक्षिणी सूडान दे अपर नील दे विच संयुक्त राष्ट्र मिशन दे उन्हां दे शानदार काम लई संयुक्त राष्ट्र दे मैडल प्राप्त किए हैं। संयुक्त राष्ट्र मिशन की वैबसाइट पर प्रकाशित एक लेख दे विच कहा गया है कि पहली बार भारतीय फौज की एक महिला अधिकारी मेजर जासमीन चट्ठा ने वड्डी भारतीय टुकड़ी की परेड की अगवाई की।
पाकिस्तान विच हालात बहुत खराब हो रहे ने, लोग भुखमरी अते गरीबी दे नाल जूझ रहे ने। इस दौरान पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान तो भी पाकिस्तान विरुद्ध आवाज़ां उठनियां शुरू हो गईयां ने। पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर दे लोकां ने पाकिस्तान सरकार ते उन्हां दे नाल वितकरा करन दे गंभीर दोष लगाए ने। इत्थों दे नाराज़ लोग हुण पीओके नूं भारत दे विच मिलाउण दी मंग कर रहे ने। शोषण दे खिलाफ आवाज़ उठाउंदे होए कश्मीरियां ने भारत दे लद्दाख दे विच एक वार फिर तो इकट्ठे होण दी गल शुरू कर दित्ती है। अजकल पाकिस्तान दे कब्जे वाले कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान दे लोग पाकिस्तान सरकार खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे ने। उत्थे हजारां लोग सड़कां ते हन ते जुलूस कढ रहे ने। पीओके दे लोकां दी मंग है कि उन्हां नूं भारत दे लद्दाख खेतर दे विच मिलाया जावे। इह मंग तेज हुंदे ही पाकिस्तान सरकार दी नींद उड गई है। इस विरोध दियां कई वीडियोज़ भी सोशल मीडिया ते वायरल हो गईयां ने। रैली दे विच लोकां ने कारगिल रोड नूं खोलण दी मंग कीती है। उन्हां ने नारा बुलंद कीता कि आर पार जोड़ दो, कारगिल को खोल दो। फिलहाल दे लई इन्ना ही, फिर तो लैके हाजिर होवांगे देश विदेश दियां होर ताज़ा खबरां। तद तक दे लई मैनूं दिओ इजाज़त, धन्नवाद।